Assalamu alaikum. I'm your science teacher, Ms. Asma Tabassum. Student, I hope you will be fine and safe at home. Today my topic is environment. It is taken from unit 2, man and environment. Learning objective: to create interest in the students, to give knowledge about environment. Student will be able to explain food chain and food web. Previous knowledge: students know that environment and man have always been interdependent on each other. Environment: everything surrounding us, in which we move, work and live, and which affect our lives, is called environment. Man depend on the environment, and the environment is affected by man. माहौल के जो लघवी मायने हैं इर्द गिर्द के हैं, यानी हर वो चीज़ जो जानदार पर अपना असर रखती हो उसे माहौल कहते हैं। मजमू तौर पर ज़मीन, फिज़ा और पानी को माहौल या एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें तमाम हयातियाती, तबियाती और कीमियाई अज़ा के अनासर शामिल होते हैं। सच तो ये है कि जो कुछ दुनिया और कायनात में है इसे माहौल कहते हैं। इकोसिस्टम: द लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग विद अदर लिविंग ऑर्गेनाइजम एंड विद सच थिंग्स एज सॉइल, वाटर, एयर एंड लाइट फ्रॉम अ बैलेंस्ड सिस्टम कॉल्ड एन इकोसिस्टम। एक्चुअली इकोसिस्टम क्या होता है? खुराक के लिए जानदार को एक दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता है, वो एक दूसरे के डिपेंड करते हैं एक दूसरे को। बस जानदार अशिया दूसरे जानदार अशिया और गैर जानदार अशिया, मसलन मट्टी, पानी, हवा और रोशनी के दरमियान बाहमी रब से एक निज़ाम कायम होता है, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। प्रोड्यूसर: प्रोड्यूसर इज एन ऑर्गेनाइज्म विच प्रोड्यूस इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनाइज्म होते हैं जो कि अपनी ग़िज़ा सूरज की मौजूदगी में या फोटोसिंथेसिस में खुद तैयार करते हैं। इकोसिस्टम में सब्स, पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कंज्यूमर्स: कंज्यूमर इज एन ऑर्गेनाइज्म डैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड एंड मस्ट ईट अनदर ऑर्गेनाइज्म एज फूड। इकोसिस्टम में जानवर जो है वो एक्चुअली कंज्यूमर है, क्योंकि वो पौधे भी खाते हैं और जानवर भी। अगर कोई भी जानवर पौधे खाए तो उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कंज्यूमर, अगर कोई जानवर पौधे खाता है तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं अगर कोई जानवर ही खाता है, गोश्त खाता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर्स: डिकम्पोज द रिमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई विच प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। मुर्दा जानवर और पौधों को बैक्टीरिया और फंजाई तहलील कर देते हैं। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का किरदार अदा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, डायग्राम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोज़र आपको वाजह तौर पर नज़र आएंगे। प्रोड्यूसर में डिफरेंट प्लांट्स हैं, कंज्यूमर में डिफरेंट एनिमल्स मौजूद हैं और डिकम्पोज़र में बैक्टीरिया, फंजाई मौजूद हैं। फूड चेन एंड फूड वेब: द रिलेशन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट एंड एनिमल्स एंड एनिमल फॉर फूड इज डिस्क्राइब बाय फूड चेन एंड फूड वेब। किसका ताल्लुक? जानवरों का पौधों से ताल्लुक और जानवरों से जानवरों का ताल्लुक जो है वो फूड चेन कहलाता है या फूड वेब कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, फूड चेन की एक डायग्राम देखें। आउल रैबिट को खा रहा है, रैबिट कॉर्न। इस तरह सेकंड फूड चेन देखें, लॉयन फॉक्स को खाता है, फॉक्स रैबिट को, रैबिट कैरेट को। थर्ड फूड चेन देखिए, ईगल स्नैक को, स्नैक फ्रॉग को, फ्रॉग ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ग्रास। इस तरह ये फूड चेन चलती रहती है। फूड वेब, बहुत सारी जब फूड चेन आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? फूड वेब।
ज़रूरी नहीं एक जानवर सिर्फ दूसरे ही को खाए, हो सकता है उसको कोई और भी खा रहा हो। जैसे फॉक्स है, उसने रैबिट खाया, रैबिट ने कैरेट खाई, ठीक है। और आउल, आउल ने ग्रास हॉपर खाया, ग्रास हॉपर ने ग्रास खाई, लेकिन ग्रास हॉपर को बर्ड भी खा रहा है, ठीक है। इस तरह आउल माइस को खाता है, माइस ग्रेन खाती है, ठीक है, लेकिन ग्रास हॉपर भी ग्रेन को खाता है। इस तरह बहुत सारी जब फूड चेन आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, फूड वेब। वेब कहते हैं जाल को, फूड चेन का जाल जो है फूड वेब कहलाता है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में बहुत सारे बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें तैयार करी जाती हैं, जैसे वेनेगर, सिरका, चीज़, पनीर, कर्ड, दही, जो कि दूध से, ये सब चीज़ें बैक्टीरिया की मदद से बनाए जाते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। मैनी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड सम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा, ट्रिपोसोमा कॉज डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, प्लग, इन्फ्लुएंजा। बहुत सारे अमीबा और बैक्टीरिया बीमारी कॉज करते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों से तहफ़ के तरीक़े जो हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं, जैसे वैक्सीनेशन, नंबर टू कीपिंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड एंड फूड। वैक्सीनेशन में क्या करा जाता है, बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन का तरीका आम इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है, और वो मैटर जो इंजेक्शन के ज़रिए जिस्म में दाखिल किया जाता है, इसे वैक्सीन कहते हैं। इन्वायरमेंट सेकेंड मेथड है, इसमें क्या होता है कि जिस्म और कपड़ों को साफ रखते हैं हम लोग, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखना चाहिए। गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं, जरासीम और दूसरी चीज़ें, मक्खियां और मच्छर गंदगी पैदा करते हैं, ठीक है। जरासीम और मक्खियां गंदगी पैदा करने की वजह से हमारे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा जाती हैं। अपने माहौल को साफ रखना चाहिए और हम ताकि बीमारियों के फैलाव के ख़िलाफ़ हम जंग कर सकें। थर्ड वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, पानी और ख़ुराक हमारे लिए दोनों ज़रूरी हैं, हर शख्स को इसकी ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और कॉलरा और डायसेंट्री जैसी बीमारियों के जरासीम पानी के साथ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इस तरह टाइफाइड और डायसेंट्री जैसी बीमारियाँ फीसिस से हमारे जिस्म में दाखिल होती हैं। इस बीमारियों से बचने के लिए हमें ऐसा साफ़ पानी पीना चाहिए जो हर किस्म के जरासीम से पाक हो, और अगर पीने के लिए साफ़ पानी दस्तियाब ना हो तो पीने से पहले इसे उबाल कर ठंडा कर लेना चाहिए। इस तरह पीने से पहले दूध को भी अच्छी तरह उबाल लें। दूध जो उबला हुआ ना हो तो इसमें ऐसे जरासीम हो सकते हैं जिसमें टीबी की बीमारी का खतरा होता है। इस तरह सब्जियां भी हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं क्योंकि वो राउंड वर्म के अंडों और जिगर बीमारियां फैलाने वाले जरासीम की हामिल होती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब्जियों को पकाने से पहले बड़ी अच्छी तरह धो लें। ओके स्टूडेंट, ये थे मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन आलूदगी को कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो नुकसानदेह होते हैं और जहरीले असरात रखते हैं आलूदगी कहलाते हैं। बहुत सारी पॉल्यूशंस मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, पॉल्यूशन इन वाटर, एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ड्यू टू रेडिएशन, नॉइस पॉल्यूशन, जो आलूदगी फैलाते हैं। ओके स्टूडेंट, रिव्यू करते हैं। रिव्यू में हमने आज क्या क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताया था हमने, इकोसिस्टम बताया था, प्रोड्यूसर बताया था जो अपनी ग़ज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, कंज्यूमर के बारे में पढ़ाया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्लांट को अपनी ग़ज़ा बनाते हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जो गोश्त होते हैं या गोश्त खाते हैं, जानवर खाते हैं,
सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ाते हैं कि मुर्दा जानवरों और पौधों को बैक्टीरिया फंजाई तहलील कर देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। फूड चेन और फूड वेब बताया था आपको कि हर जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो कहलाता है फूड चेन, और बहुत सारी फूड चेन आपस में मिलकर फूड वेब बनाती हैं। फिर मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के बारे में बताया था, पहला मेथड बताया था वैक्सीनेशन, दूसरा आपको बताया था कीपिंग एनवायरनमेंट, थर्ड बताया था प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। फिर हमने आपको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया कि पॉल्यूशन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो या जहरीले असरात रखते हैं जो आलूदगी पैदा करते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन ऑफ सॉइल होता है, पॉल्यूशन इन वाटर होता है, पॉल्यूशन ड्यू टू रेडिएशंस होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।